दोस्तों, यूं तो समुद्र में आपको काफ़ी सारे जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समुद्र में एक ऐसी मछली भी मिलती है जो अपने शिकार को मारने के लिए 900 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर सकती है। हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी मछली के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक ईल, जो कि एक बड़े साइज के मगरमच्छ को भी सेकेंड्स में पैरालाइज कर देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी के घर में 220 वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन ये मछली 900 वोल्ट यानी 220 का 4 गुना ज़्यादा वोल्टेज अपने शरीर से जनरेट कर देती है। इससे आप एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि ये मछली कितना डेंजरस हो सकती है। मगर ये मछली इतना सारा वोल्टेज, इतना सारा करंट कैसे जनरेट करती है, इतना सारा करंट कहाँ से आता है और इस मछली को करंट क्यों नहीं लगता, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, इस डेडफिश मछली का नर्वस सिस्टम बाकी सारी मछलियों से बहुत अलग होता है। इसके अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको मेनली 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, मेन ऑर्गन, हंटर ऑर्गन एंड शेष ऑर्गन, और यही तीनों पार्ट मिलकर इसे पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कराने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल के इन तीनों पार्ट्स में ही मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट सेल्स कहते हैं, और हर एक सेल बैटरी की तरह वर्क करता है। इन सभी सेल्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं और यही मिलियंस ऑफ सेल्स एक दूसरे से सीरीज में जॉइंट रहते हैं ताकि एक बड़ी बैटरी बना सके। दोस्तों, जब कभी इलेक्ट्रिक ईल को शिकार पर हमला करना होता है, तब इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हर सेल को कमांड देता है और यही सारे सेल्स आपस में जुड़कर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर देते हैं, जिसकी मदद से ये अपने 2 या 3 मीटर के आसपास आने वाली सारी मछलियों, सारे जानवरों को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। अगर इलेक्ट्रिक ईल के सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट की बात करी जाएगी तो शेष ऑर्गन को ही सबसे पहले नंबर पर रखा जाएगा। इसी ऑर्गन की मदद से ये अपने शिकार को पता लगा पाती है। शेष ऑर्गन एक लो वोल्टेज पर जनरेट करता है। इसका यही ऑर्गन इसको रेडार और नेविगेशन में मदद करता है। ये कंटिन्यूसली एक लो पल्स जनरेट करता रहता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता रहता है, जिसकी वजह से ये पता लगा पाती है कि इससे कितनी दूर इसका शिकार है, कितनी इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स इसको जनरेट करना है ताकि उसको ये मार सके। इसे ये फाइंड आउट करती है इस शेष ऑर्गन के थ्रू कि मेरे पास या हमारे आसपास कोई एक शिकार आ चुका है, तो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके बाकी 2 पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है और एक लार्ज अमाउंट में जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो ये रिलीज करती है, जिसकी मदद से जो सारी मछलियाँ हैं के आसपास की जो रेंज में, जो इसके रेडार में जो मछलियां आ गई हैं, उनको ये ऑन द स्पॉट मार देती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ईल की 800 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। इलेक्ट्रिक ईल को जेनस इलेक्ट्रोफोरस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ईल आसानी से सॉल्टी और फ्रेश वाटर में रह सकती है। एक इलेक्ट्रिक ईल की लेंथ अप टू 4 मीटर तक हो सकती है और एक अडल्ट इलेक्ट्रिक ईल का वेट 30 केजी तक भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल के लाइफ साइकिल की बात करी जाए तो पहली स्टेज कहलाती है लार्वा स्टेज। सारी इलेक्ट्रिक ईल अंडे देती है, इन्हीं अंडों में से निकलता है लार्वा। कुछ टाइम बाद ये लार्वा बन जाता है ग्लास ईल्स, और जब ये ग्लास ईल्स बन जाती है तो ये माइग्रेशन स्टार्ट कर देती है ओशियन से फ्रेश वाटर की तरफ। इसी फ्रेश वाटर में जाकर ये मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद ये सारी ईल्स दोबारा माइग्रेशन स्टार्ट कर देती है फ्रेश वाटर से ओशियन की तरफ फॉर रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिक ईल की लाइफ साइकिल होती है, यही साइकिल कहलाती है इलेक्ट्रिक ईल की लाइफ साइकिल, जिसमें कि हमें 3 मेनली स्टेज देखने को मिलती है, लार्वा स्टेज, ग्लास स्टेज एंड मैच्योर स्टेज। दोस्तों, आपको ये जानकर और शॉक लगेगा कि इतनी डेंजरस मछली होने के बावजूद भी इस मछली को काफी कंट्रीज में बड़े शौक के साथ खाया जाता है। जैसे जापान और चाइना में इसको मोस्ट पॉपुलर फूड माना गया है, क्योंकि इसके अंदर मेगा हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और गुड अमाउंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको इसके कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो इलेक्ट्रिक ईल बैकवर्ड स्विम भी कर सकती है। स्लेंडर वेव मोरे अब तक की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करी गई है, जो कि 13 फीट की है, और कॉन्गर और मोरेना अब तक की सबसे डेंजरस इलेक्ट्रिक ईल की स्पीसीज मानी गई है, जिसका कि स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये एक मछली होती है। सारी ही इलेक्ट्रिक ईल कार्निवोरस होती है, और अगर एक इलेक्ट्रिक ईल का शॉक आपको लग जाए तो उस कंडीशन में आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप अंडर डाइविंग करें, जब भी आपको एक इलेक्ट्रिक ईल दिखे, तो उससे काफ़ी दूरी बना के रहें, क्योंकि इस कंडीशन में आप एक सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। जो मेरी कोशिश थी आपको कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराना, वो भी पूरी हुई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।